फ्लैश सेल। किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर फ्लैश सेल बायर और सेलर दोनों के लिए फायदेमंद होती है। तो आज की वीडियो में हम Daraz.pk की फ्लैश सेल को डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और बीइंग अ सेलर अगर हम अपने किसी प्रोडक्ट को Daraz.pk की फ्लैश सेल में लिस्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया जो हमें फुलफिल करना है, यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका VA और आज की वीडियो Daraz.pk यूजर्स के लिए है। अगर आपने कभी भी Daraz की ऐप यूज़ करी है, चाहे आप सेलर हो या बायर हो, आपने जो सबसे टॉप पे जो चीज़ नोटिस की होगी वो होगी फ्लैश सेल, जो कि Daraz की ऐप में या Daraz की वेबसाइट में आपको टॉप पे नज़र आ जाती है। और उसकी ख़ास बात यह है कि उसमें काउंटडाउन चल रहा होता है। उस काउंटडाउन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो बायर्स को सोचने का मौका ही नहीं देता है। बायर्स अगर फ्लैश सेल में आता है और किसी प्रोडक्ट को देख ही रहा होता है, लेकिन उस काउंटडाउन की वजह से उसके माइंड में एक प्रेशर होता है कि ये प्रोडक्ट कहीं ख़त्म ना हो जाए, वो उसको बगैर सोचे समझे परचेज कर लेता है। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है सेलर्स के लिए कि अगर वो अपने प्रोडक्ट को फ्लैश सेल में लिस्ट करवा लें तो 90% और 100% चांस होता है कि उनके जितना भी स्टॉक होगा वो सारा का सारा फ्लैश सेल में निकल जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें बायर्स का क्या फ़ायदा है। तो बायर्स का फ़ायदा ये है कि जो प्रोडक्ट उनको नॉर्मल डेज में 500 रुपीज़ का मिल रहा होता है, वो फ्लैश सेल में उनको 300 या 350 रुपीज़ का मिल जाता है। तो उनको भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है फ्लैश सेल की वजह से। तो ये तो हुए फ्लैश सेल के बेनिफिट बायर और सेलर्स के लिए। बट अब मैं बात करता हूँ कि बीइंग अ सेलर, अगर मैं अपने प्रोडक्ट को फ्लैश सेल में लगाना चाह रहा हूँ तो उसका क्या क्राइटेरिया है जो मुझे फुलफिल करना है। तो यही सब अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। Daraz सेलर्स, आर यू रेडी? ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट भी फ्लैश सेल के लिए एलिजिबल हो जाए तो उसका कुछ क्राइटेरिया है जो पहले आपको फुलफिल करना है। वो क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, आपकी जो सेलर रेटिंग है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% होनी चाहिए। नहीं आया समझ में? चले मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आप जो भी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं कस्टमर को सक्सेसफुली, उसके फीडबैक में कस्टमर आपको रिव्यू देता है, तो वो रिव्यूज़ और वो कमेंट्स ही आपकी सेलर रेटिंग होती है। तो आपकी ये सेलर रेटिंग जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% होगी तभी आप फ्लैश सेल में एलिजिबल हो सकते हैं। हम अपनी सेलर रेटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और वो क्या ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ करके कस्टमर से 4-star या 5-star रेटिंग ले सकते हैं और साथ में एक अच्छा कमेंट्स, यही सारी चीज़ें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा जो इससे रिलेटेड होगी। नाउ अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। नंबर टू, आपका कैंसिलेशन रेट जो है लेस देन और इक्वल टू 3% होना चाहिए। यानी आपको जितने भी ऑर्डर रिसीव हुए हैं उनमें से सिर्फ 3% कैंसिल होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब वो कैंसिलेशन चाहे बायर की तरफ से हो या सेलर की तरफ से, इट डजंट मैटर। हम अपने कैंसिलेशन रेट को कम से कम किस तरह कर सकते हैं ये भी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह आप जो है अपने कैंसिलेशन रेट को मिनिमम कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ और वो ये है कि आपका जो रिटर्न रेट है वो लेस देन और इक्वल टू 2% होना चाहिए। यानी कि जितने भी प्रोडक्ट आपने डिलीवर किए हैं उनमें से सिर्फ 2% रिटर्न होने चाहिए। मींस अगर आपने एक महीने में 10 डिलीवरी दी हैं तो 10 में से 2 रिटर्न होनी चाहिए, बाकी 8 की 8 सक्सेसफुली डिलीवर होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट सेलर क्राइटेरिया का ये है कि जिस प्रोडक्ट को आप फ्लैश सेल के लिए एलिजिबल करवाना चाहते हैं उसके लास्ट मंथ में एटलीस्ट 30 ऑर्डर आप डिलीवर कर चुके हों, मीन्स ना कैंसिल हो ना रिटर्न हो, आप सक्सेसफुली इसको डिलीवर कर चुके हों कस्टमर तक। तो ये 4 सेलर क्राइटेरियाज थे जो हर Daraz के सेलर को पहले फुलफिल करना है, उसके बाद ही वो फ्लैश सेल के लिए अपने किसी प्रोडक्ट को अप्लाई करवा सकता है। अब कुछ प्रोडक्ट क्राइटेरिया भी हैं जो आपको फुलफिल करने हैं अपने जिस प्रोडक्ट को आप फ्लैश सेल में अप्लाई करवाना चाहते हैं उसके लिए। नंबर 1, आप उस प्रोडक्ट के 30 ऑर्डर्स डिलीवर कर चुके हों। नंबर 2, आपके पास उसका जो स्टॉक हो वो मिनिमम 10 मौजूद हो और मैक्सिमम 300 तक आप उसको फ्लैश सेल के लिए अप्लाई करवा सकते हैं।
उस प्रोडक्ट की रेटिंग जो हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो, मीन्स उसको कम से कम 4 स्टार रिव्यूज मिले हुए हो, इससे कम ना हो। अगर इसको 3 स्टार या 2 स्टार मिले हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। जब आप उस प्रोडक्ट को फ्लैश सेल के लिए अप्लाई करवा रहे हो तो उसमें मज़ीद आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना है, मिनिमम 5% तक आपको देना ही देना है। लेट सपोज आप एक प्रोडक्ट 100 रुपये का नॉर्मली सेल कर रहे थे, अब आप उसको फ्लैश सेल के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 5% उसमें मज़ीद डिस्काउंट देना है, तब आप उस प्रोडक्ट को फ्लैश सेल में अप्लाई करवा सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन ये बनता है कि एक सेलर कितने प्रोडक्ट फ्लैश सेल के लिए अप्लाई करवा सकता है, तो उसका आंसर ये है कि मैक्सिमम 15 प्रोडक्ट्स एक टाइम पे एक सेलर फ्लैश सेल के लिए अप्लाई करवा सकता है। तो ये था फ्लैश सेल में पार्टिसिपेट करने का क्राइटेरिया। अब मैं अपने तमाम दराज सेलर से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने एक प्रोडक्ट पे एटलीस्ट ऐसे काम करें कि उसको फ्लैश सेल के लिए आप एलिजिबल करवा लें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो वो एक प्रोडक्ट आपको पूरे महीने का कमा के देगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि फ्लैश सेल में जितना भी स्टॉक आप रखवाते हैं, चाहे वो 300 हो मैक्सिमम, तो 90% चांस ये होते हैं कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें अगर कोई क्वेश्चन है, आपका VA आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगा, और सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि इससे रिलेटेड मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी फ्यूचर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।